मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी को लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से प्रभावित विदिशा जिले की राहत राशि 11 करोड़ 3 लाख रुपए को सिंगल क्लिक के माध्यम से मंत्रालय से वितरित किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने बधाई देते हुए कहा कि इतनी भीषण बाढ़ में भी हमारी तत्परता और कर्तव्य निष्ठा के कारण हमने कोई जान नहीं जाने दी। जितने प्रयास हो सकते थे हम सब ने मिलकर किए। बचाव कार्य के लिए SDRF व NDRF की टीम, होमगार्ड और पुलिस के जवान, जिला प्रशासन, समस्त जनप्रतिनिधि व मंत्रीगण भी दिन रात जुटे रहे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि विदिशा जिले के 534 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हम आज से वहां राहत राशि के वितरण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। कई जिलों में भारी बाढ़ आई और बाढ़ के कारण कई जगह मकानों को, फसलों को, घरेलू सामानों को भी काफी नुकसान हुआ है। आज मंत्रिपरिषद इस बैठक में हमारे फील्ड के अफसर, कलेक्टर, कमिश्नर सहित सब जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी भीषण बाढ़ में भी हमारी तत्परता के कारण, कर्तव्य निष्ठा के कारण हमने कोई जान नहीं जानी थी। जितने प्रयास हो सकते थे हम सब ने मिलकर किए। बचाव कार्य के लिए SDRF की टीम, NDRF की टीम, होमगार्ड के जवान, जिला प्रशासन, पुलिस के सारे मित्र हमारे और हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण के दिन रात जुटे रहे। हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिए थे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने लोगों को बोट से भी निकाला और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हजारों लोग सुरक्षित निकालने में हम लोग सफल रहे। हम सब दिन और रात जुटे रहे, इसलिए इंसान की जिंदगी हमने सुरक्षित कर ली, लेकिन फसलों का और घरों का सामान्य नुकसान तो हुआ ही है। और इसलिए हमारी सरकार की ये पहली प्राथमिकता है कि जिन जिलों में जनता जनार्दन का, किसानों का, फसल का नुकसान हुआ है, मकानों में नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की हम भरपाई करने की कोशिश करें। क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट के समय अपनी जनता के साथ खड़ी है। मैं सभी कलेक्टर्स को यह कहना चाहता हूं, प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे में छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों ने पहले से ही तय किया है कि जो क्षति का आकलन के लिए संयुक्त दल के गठन, एक व्यक्ति की बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं कि फलाने ने ये लिख दिया, ये नहीं लिखा। राजस्व, कृषि, उद्यान की, पंचायत, ग्रामीण विकास, इनका संयुक्त दल बना के हम लोग क्षति का आकलन करते रहे, वही अभी किया जाए। जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके किया जाए। अभी अभी नवनिर्वाचित लोग हर स्तर पर चुन के आए हैं, पंचायतों में भी है, वार्डों में भी है, उनको भरोसे मिले। जिनका नुकसान हुआ है उनकी सूची बाकायदा पंचायत भवन और नगरों में भी जो उपयुक्त स्थान उन पर लगाई जाए। और कोई अगर आपत्ति करता कि नहीं इसका रह गया है तो वो आपत्ति भी सुनी जाए। प्रभावित परिवारों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई जिले में कुछ मकान ऐसे जो पूरे पूरे बह गए, उसको ध्यान में रखते हुए हम जितने जल्दी राहत राशि का वितरण कर सकते हैं हमको करना है। मुझे
विदिशा कलेक्टर और वहां की टीम ने बताया कि विदिशा में उन्होंने क्षति का आकलन युद्ध स्तर पर किया है। क्षति के आकलन के साथ साथ मैं सभी प्रभावित जिलों को यह निर्देश भी दे रहा हूं, मलबा हटाने का काम, दवाइयां छिड़कने का काम, पानी प्रदूषित ना रहे उसका इंतजाम, इलाज के लिए शिविर लगाने का काम, यह भी हमारी ड्यूटी है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसको भी साथ में करते हुए चलें। विदिशा जिले ने चूंकि ये सर्वे का काम अभी पूरा कर लिया है, अगर रह गया हो तो फिर कोई कसर उसमें छोड़े ना, और जो मुझे बताया विदिशा जिले के 534 गांव 14,419 बाढ़ प्रभावित हैं, आज से हम राहत के राहत राशि के वितरण का काम प्रारंभ कर रहे हैं, और आज सिंगल क्लिक के माध्यम से हम यहीं से खातों में राशि डालेंगे। मैंने कहा था कि इस पर विलंब किसी हालत में नहीं होना चाहिए, बाकी जिलों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सर्वे का काम यथासंभव जितना हो सके जल्दी उसको आप पूरा कर लें। संकट के समय हमें अपनी जनता के साथ खड़ा रहना है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।